हेलो एस्पायरेंट्स, हाल ही में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के द्वारा ग्रुप 5 के अंतर्गत मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ पोस्ट आई हैं। इन पोस्ट की कुल संख्या 2204 है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस पीडीएफ में देख पा रहे हैं, इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इन शॉर्ट जो कंक्लूज़न है 2204 पोस्ट का, वो किन किन फील्ड में है। तो सबसे पहला जो है स्टाफ नर्स की पोस्ट है, सीधी भर्ती है 474 पदों पर, कुल योग है इसका 525। तो स्टाफ नर्स 525 पोस्ट। पुरुष स्टाफ नर्स की बात की जाए तो पुरुषों में यहाँ पर 222, ईसीजी टेक्नीशियन में 18, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन में 247, लैब असिस्टेंट में 9 पोस्ट, लैब अटेंडेंट में 155, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन में 48, लैब टेक्नीशियन में 347, ओटी टेक्नीशियन में 24, टेक्निकल असिस्टेंट में 38, टेक्नीशियन असिस्टेंट 42, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 7, ऑर्थो टेक्नीशियन 1, ओटी असिस्टेंट 1, ओटी अटेंडेंट 16, रिसेप्शनिस्ट 4, डायलिसिस टेक्नीशियन 14, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक टेक्नीशियन 9, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 67, डार्क रूम असिस्टेंट 14, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 2, कॉर्डिया थोरैसिक टेक्नीशियन 2, डेंटल हाइनेस 3, डेंटल मैकेनिक 3, डेंटल टेक्नीशियन 12, नेत्र सहायक 67, स्पीच थेरेपिस्ट 6, फिजियोथेरेपिस्ट 6, ड्रेसर 3, ड्रेसर 2 47, टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर 6, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी 215, नर्सिंग सिस्टर 6, डिसेक्शन हॉल 12, मिडवाइफ ANM 3, प्रयोगशाला सहायक 1 और फार्मासिस्ट ग्रेड 1 2। तो इस तरह से ये कुल जो पोस्ट हुई है 2204 हुई। अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में देख लेना है कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। इन शॉर्ट अभी हम देखेंगे कि ये कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसमें एज है और क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हम जैसा कि जानते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टेवर्ट और अन्य पदों की भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पदवार कितनी पोस्ट हैं जो पदक्रम अनुसार हैं वो हमने अभी देख लिया। अब ये एग्जामिनेशन की जो तारीख है ये जो फॉर्म भरने की तारीख है ये 10 अक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएगी और लास्ट डेट रहेगी 24 अक्टूबर 2020। आवेदन में संशोधन करने की तिथि, यानी थोड़ी बहुत जो नाम में गलती या एड्रेस में हो जाती है, उसके लिए 29/10/2020 तक संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट होगी 16 से लेकर 27 दिसंबर। शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होते हैं, पर डे हर किसी का अलग अलग लोगों का एग्ज़ाम होगा। लगभग 10 दिन तक ये पेपर का शेड्यूल चलेगा और फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट 16 से लेकर के 27 तक कभी भी आपके एग्जामिनेशन की डेट हो सकती है। जो फीस है वो है, जो जनरल कैटेगरी उनके लिए 500 रुपीज़, बाकी लोगों के लिए 250 रुपीज़। एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग रहेगा वो एज यूजल फर्स्ट शिफ्ट के लिए 9 to 11 रहेगा, सेकंड शिफ्ट के लिए 3 to 5 रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम पहले होता है, आपको सुबह 8:30 बजे और 7 से 8 के बीच में रिपोर्टिंग के लिए और दोपहर में 1 से 2 के बीच में रिपोर्टिंग के लिए जाना है। इसके अलावा जो आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को आपको कैरी करना है। देन हमने यहाँ पे पोस्ट तो देख ली है। अब यहाँ पर जो एज है, इस बार यहाँ पर पीबी ने जो कैटेगराइज किया है रिजर्वेशन को, उसमें यहाँ ओबीसी को 27% रिजर्वेशन के हिसाब से ये वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और जब यहाँ पे बात करते हैं हम ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं समूह 5 के अंतर्गत, तो इन सभी के लिए जो सिलेबस रहेगा
वो रहेगा आपका दो पार्ट में। एक तो होगा फर्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि आएगा। और दूसरा जो पार्ट रहेगा टेक्निकल ट्रेंड पर आधारित पार्ट होगा। इसके अलावा जो एज है ये 18 से 40 साल तक रहेगी, और जो बाकी कैटेगरी में आते हैं, रिजर्वेशन में आते हैं, उनके लिए 18 से 45 अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखनी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 12th मांगा हुआ है, लेकिन 12th के साथ आपको हर एक फील्ड के लिए जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी संबंधित फील्ड में डिप्लोमा डिग्री जिसकी भी मांग की गई, डिग्री तो कहीं नहीं मांगा, डिप्लोमा मांगा हुआ है 12th के साथ, वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। रिजर्वेशन की बात हमने कर ही ली है, ST को 20%, SC को 16%, OBC को 27% और EWS को 10%। ओके, अब ये टोटल मिला लिया जाए तो 36, 46, देन आप काउंट कर ही सकते हैं, 50% से ज़्यादा जा रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। अभी तो इसी बेसिस पे रिजर्वेशन के आधार पर इस पोस्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये पूरा पोस्ट का आपका विवरण है। ओके, पेज नंबर 21 में आप देख लेंगे यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी पोस्ट है, जिसके थ्रू आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद जब क्वालिफिकेशन की बात आती है तो क्वालिफिकेशन में आपको ध्यान देना है कि मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ, बाकी आप पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लें इस पूरे नोटिस को। लगभग 100, ये जो नोटिफिकेशन है 158 पेजेस का है। ओके, PB के लिंक पे ये अवेलेबल भी है। तो यहाँ पर यदि स्टाफ नर्स की बात की जाए तो इनके लिए तो BSc नर्सिंग होना ज़रूरी होता है, 10+2 इनका केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स से होना चाहिए, और नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग पोस्ट भरेंगे इनको उनका रिजल्ट कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही इन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। इसी तरह से बाकी पोस्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन रहा, इसमें 12वीं होने के साथ साथ डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी भी होना चाहिए। तो यही कहने का मतलब है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी रूल बुक को पढ़ लें और देख लें कि इन जो टेक्नीशियन या लैब अटेंडेंट या बाकी पोस्ट हैं उससे रिलेटेड डिप्लोमा आपके पास है तो आप एप्लीकेबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको ये डिस्क्रिप्शन लिंक काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।